हेलो दोस्तों मैं सौरभ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मोबाइल सोल्यूशन पर दोस्तों मेरे पास ये जो हैंडसेट है सैमसंग ब्रांड का है आप देख सकते हैं बैक साइड में नीचे की तरफ सैमसंग की ब्रांडिंग है और मॉडल नंबर आपको बता देता हूं मॉडल नंबर है सैमसंग गैलेक्सी एम थर्टी ध्यान से सुन लीजिए मॉडल नंबर है सैमसंग गैलेक्सी एम थर्टी आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी एम थर्टी को अनलॉक करने का तरीका यानी कि डिवाइस का पैटर्न लॉक पिन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूव करने का सबसे इजी और बिल्कुल लेटेस्ट तरीका तो दोस्तों अगर आप भी सैमसंग गैलेक्सी एम थर्टी थ्री फाइव जी यूज कर रहे हैं और आपके डिवाइस पे किसी भी टाइप का लॉक लगा हुआ है जैसे कि पैटर्न लॉक पिन लॉक या पासवर्ड लॉक किसी भी का अगर आपकी सैमसंग M33 5G में लगा हुआ है और आप डिवाइस को अनलॉक करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बहुत आसानी से घर बैठे बैठे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी M33 5G को अनलॉक कर पाएंगे डिवाइस का पैटर्न लॉक पिन लॉक या पासवर्ड लॉक बिल्कुल फ्री में रिमूव कर पाएंगे तो यहां दोस्तों आपने देखा डिवाइस हमारी पूरी तरह से पिन लॉक है अब दोस्तों इस डिवाइस को अनलॉक करने से पहले हम आ जाते हैं डिवाइस के राइट साइड में डिवाइस के राइट साइड में आते हैं दोस्तों तो यहां पे आपको तीन बटन देखने को मिलती है सबसे ऊपर की तरफ देखिए वॉल्यूम अप उसके बाद वॉल्यूम डाउन और बिल्कुल नीचे आते हैं तो यहां आपको पावर अनलॉक बटन देखने को मिलता है ओके अब दोस्तों इस डिवाइस को अनलॉक करने का जो मेथड है सबसे पहले वो मेथड इस वीडियो में मैं आपको से डिटेल में शेयर करूंगा उसके बाद ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों अगर आपके पास सैमसंग की कोई भी लेटेस्ट डिवाइस है और आप डिवाइस को अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा सबसे पहले अपने डिवाइस को किसी लैपटॉप या पीसी का यूज करके सिंपल यूएस केबल से कनेक्ट करना है ध्यान दीजिए आपको करना क्या है इस यूएस केबल को आप अपने लैपटॉप में अटैच कर दें और सिंपल डिवाइस को ऐसे यूएस केबल से कनेक्ट कर दें ओके अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी डिवाइस रिकवरी मोड पर एक्टिव नहीं होगी ओके तो मैंने अपने लैपटॉप का यूज करके डिवाइस को सिंपल यूएस केबल से कनेक्ट कर दिया ओके राइट साइड में आइए okay? right तो करना क्या है और नियर अबाउट टेन सेकेंड के लिए ओके टेन सेकेंड के बाद आप देखेंगे आपकी डिवाइस पावर ऑफ हो जाएगी ध्यान रहे दोस्तों जैसे ही आपकी डिवाइस पावर ऑफ होगी ना आप तुरंत इन दोनों बटन से अपनी फिंगर हटा लेंगे ओके okay? और बिल्कुल तुरंत वॉल्यूम अप और पावर बटन इन दोनों बटन को आप कंटिन्यू प्रेस करके रखेंगे कुछ सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो फाइनली आपकी डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी एम थर्टी पूरी तरह से रिकवरी मोड पर एक्टिव हो जाएगी ओके okay, मुझे उम्मीद है मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा अब चलिए कनेक्ट किया हुआ है ठीक है तो आप ध्यान से देखिएगा यह चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने जा रहा हूं ठीक है तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया वॉल्यूम डाउन और पावर बटन इन दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करके रखना है टेन सेकंड के लिए ठीक है तो ये देखिए इन दोनों बटन को मैंने एक साथ प्रेस किया टेन सेकंड के बाद आप देखेंगे आपकी डिवाइस पावर ऑफ होगी जैसे ही पावर ऑफ होगी आप तुरंत इन दोनों बटन से अपनी फिंगर हटा लेंगे ये देखिए पावर ऑफ हुई उसके बाद तुरंत वॉल्यूम अप और पावर बटन को आपको प्रेस करके रखना है ये देखिए इन दोनों बटन को मैंने प्रेस करके रखा हुआ है ओके अब कुछ सेकंड तक वेट करिए तो आपकी डिवाइस फाइनली रिकवरी मोड पर एक्टिव हो जाएगी और आप देख सकते हैं दोस्तों फाइनली हमारी डिवाइस पूरी तरह से रिकवरी मोड पर एक्टिव हो गई ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर आप अपने डिवाइस को किसी लैपटॉप या पीसी का यूज करके यूएसबी केबल से कनेक्ट नहीं करेंगे तो डिवाइस आपकी रिकवरी मोड पर एक्टिव नहीं होगी ओके okay, तो डिवाइस रिकवरी मोड पर एक्टिव हो गई और अब जो यूएसबी केबल है ये यूएसबी केबल हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं ओके okay, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा आपको डिवाइस को अगर रिकवरी मोड पर एक्टिव करना है तो डिवाइस को किसी लैपटॉप या पीसी का यूज करके यूएसबी केबल से कनेक्ट करना होगा ओके okay, डिवाइस रिकवरी मोड पर एक्टिव हो गई अब आगे देखिए आपको करना क्या है

बटन को प्रेस करना होगा तो चलिए मैं पावर बटन को यहां एक बार प्रेस करता हूं जैसे ही आप पावर बटन को प्रेस करेंगे तो यहां पे दो ऑप्शन मिलेंगे कैंसल और फैक्ट्री डेटा रीसेट आपको जाना है लास्ट वाले ऑप्शन पे यानी कि फैक्ट्री डेटा रीसेट वाले ऑप्शन पे तो बहुत आसान है आप सिंपल यहां वॉल्यूम डाउन वाली बटन को एक बार प्रेस करिए आप चले आएंगे फैक्ट्री डेटा रीसेट वाले ऑप्शन पे ये देखिए हम आ चुके हैं फैक्ट्री डेटा रिसेट वाले ऑप्शन पे यहां पे आने के बाद आपको ओके करना होगा और ओके करने के लिए आप पावर बटन को प्रेस करेंगे लेकिन एक मिनट रुक जाइए फैक्ट्री डेटा रिसेट पे आने के बाद ओके करने के लिए आप जैसे ही पावर बटन को प्रेस करेंगे की तरफ आप देखेंगे दोस्तों आपके डिवाइस का अनलॉकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही सेकंड में आपकी डिवाइस अनलॉक भी हो जाएगी लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए यहां पे अगर आपने अपने डिवाइस में कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा रखा हुआ है जैसे कि म्यूजिक कॉन्टेक्ट इमेज वीडियोस या कोई भी अदर यूजर डेटा तो वो सारा का सारा डेटा यहां से डिलीट हो जाएगा डेटा बचाने का कोई ऑप्शन भी नहीं है अगर ऐसा कोई भी ऑप्शन होता ना तो इस वीडियो में मैं आपसे जरूर शेयर करता। तो चुकी दोस्तों हमें डिवाइस को अनलॉक करना है इसका पैटर्न पिन और पासवर्ड लॉक ब्रेक करना है इसलिए फैक्ट्री डेटा रिसेट पे हमें ओके करना होगा यानी कि पावर बटन को प्रेस करना होगा तो चलिए मैं पावर बटन को एक बार प्रेस करता हूं अब ये देखिए ये फॉर्मेटिंग डेटा कुछ सेकंड वेट करने के बाद यहां नीचे की तरफ देखिए छोटा सा लिख के आएगा डेटा वाइब कंप्लीट ये देखिए डेटा वाइव कंप्लीट का मैसेज आ, जा आ जाएगा जैसे ही डेटा वाइव कंप्लीट का मैसेज आएगा डिवाइस आपकी बिल्कुल पिछली बार की तरह रिकवरी मोड पर एक्टिव हो जाएगी तो डेटा वाइब कंप्लीट का मैसेज आ गया इसका मतलब अब आपकी डिवाइस टोटली अनलॉक हो चुकी है अभी आपको करना क्या होगा डिवाइस को रिबूट करना होगा सबसे ऊपर की तरफ पहला ऑप्शन देखिए रिबूट सिस्टम का है तो डिवाइस को रिबूट करने के लिए आप सिंपल यहां पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो चलिए मैं पावर बटन को एक बार प्रेस करता हूं जैसे ही पावर बटन को प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपकी डिवाइस यहां पे रिबूट हो जाएगी आपने देखा दोस्तों डिवाइस हमारी रिबूट हो गई ओके और अब आपको वेट करना है डिवाइस को पूरी तरह से एक्टिव होने के लिए चालू होने के लिए और मैं बता दूं जब आपकी डिवाइस रिबूट होकर पूरी तरह से एक्टिव होगी तो आप देखिएगा आपके डिस्प्ले पे पहले की तरह किसी भी टाइप का लॉक्स नहीं करेगा और फाइनली आपकी डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी M33 थर्टी थ्री फाइव जी पूरी तरह से अनलॉक हो जाएगी पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया सैमसंग गैलेक्सी थ्री फाइव जी को अनलॉक करने का तरीका यानी कि डिवाइस का पैटर्न पिन और पासवर्ड लॉक रिमूव करने का सबसे ईजी और बिल्कुल लेटेस्ट तरीका घर बैठे बैठे बिल्कुल फ्री में आप अपने सैमसंग गैलेक्सी एम थर्टी को अनलॉक कर सकते हैं इसका पैटर्न पिन या पासवर्ड लॉक रिमूव कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है हेल्पफुल लगती है तो प्लीज दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करिए क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और ऐसे ही शानदार इंटरेस्टिंग वीडियो की कंटिन्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें बगल में जो बेलाकन है उसे भी प्रेस करें यह प्रोसेस हो रहा है अब देखिएगा आप डिवाइस आपकी पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी और डिस्प्ले पे किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं करेगा

कुछ सेकंड आपको यहां पे वेट करना होता है ओके यहां से आप सिंपल डोंट कॉपी पे क्लिक कर दें यहां से नेक्स्ट करें मोर पे क्लिक करें एक्सेप्ट करें ये जो ऑप्शन है प्रोटेक्टिव फोन तो यहां से आप चाहें तो फिर से अपने डिवाइस में पैटर्न पिन पासवर्ड फेस या फिंगर लॉक अप्लाई कर सकते हैं फिलहाल के इस ऑप्शन को मैं स्किप करूंगा तो मैं सिंपल स्किप पे क्लिक करता हूं स्किप एनी वे कुछ सेकंड वेट करेंगे यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करिए यहां से को आप सिंपल स्किप करिए वंस अगेन आपको स्किप पे क्लिक करना है यू आर ऑल सेटअप आप फिनिश पे क्लिक करिए ओके okay, ये एरो है एरो को आप सिंपल ऐसे ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे ऐसे ऊपर की तरफ स्लाइड करना है ओके okay पे क्लिक करना है और लास्ट में आपको सिंपल एग्री पे क्लिक कर देना है ओके okay, और ये देखिए दोस्तों कंप्लीट एंड्रॉइड सेटअप करके मैंने आपको दिखा दिया फाइनली हमारे डिवाइस सैमसंग गैक्सी एम थर्टी थ्री फाइव जी पूरी तरह से अनलॉक हो गई पूरी तरह से एक्टिव हो गई और दोस्तों आप देख सकते हैं अब डिस्प्ले पे पहले की तरह किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं कर रहा है ओके okay, तो दोस्तों ये पूरा फुल प्रोसेस है सैमसंग गलेक्सी एम थर्टी को अनलॉक करने का यानी कि डिवाइस का पैटर्न पिन और पासवर्ड लॉक रिमूव करने का यह वीडियो आपको कैसी लगी ये ट्रिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है हेल्पफुल लगती है तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही शानदार इंटरेस्टिंग की कंटिन्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें बगल में जो बेलाकन है उसे भी प्रेस करें तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच